नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य नेताओं के साथ राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। समारोह में दो उप मुख्यमंत्री के भी शपथ लेने की रिपोर्ट है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रह्म मोहिंद्रा सुखिंदर रंधावा पंजाब के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने रविवार को कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जो राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत लोकप्रिय हैं। ANI से बात करते हुए रावत ने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। जाखड़ ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही रावत का बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चौंकाने वाला है। सुनील जाखड़ ने कहा, यह ऐसा है कि आप न केवल मुख्यमंत्री के अधिकार को कमतर कर रहे हैं, बल्कि इस पद पर उनकी नियुक्ति के अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने महात्मा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की जो वायरल हो रही है। उन्होंने उन्नाव में BJP के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कहा कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कपड़े उतारने से कोई महान हो जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती, जिसके बाद उनकी काफ़ी खिंचाई की जा रही है। हालांकि दीक्षित का कहना है कि उन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा ही की थी, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी बातों के अलावा एक व्यक्ति कड़ी मेहनत और ईमानदारी से महान होता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिला कर्मचारियों को घर से बाहर ना निकलने के आदेश के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने इसको लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी महत्वपूर्ण मुस्लिम बॉडीज इसकी निंदा करेंगी, क्योंकि ये उनके धर्म के नाम पर किया जा रहा है। जावेद अख्तर ने कहा कि वे सब कहाँ हैं जो कल तक 3 तलाक के बचाव में चिल्ला रहे थे। आलोचकों पर भारी कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बहुमत बरकरार रखा है। इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 64% वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 48% वोट हासिल किए हैं, तो वहीं उसकी प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टी को अभी तक लगभग 21% वोट मिले हैं। वैसे तो यूनाइटेड रशिया पार्टी के लिए एक शानदार जीत है, लेकिन 2016 के संसदीय चुनाव की तुलना करें तो कुछ हद तक कमजोर प्रदर्शन है। उस वक्त पार्टी ने 54% से अधिक वोट जीते थे। भारत में पिछले एक दिन में 30,256 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, तो इसी समय के दौरान 295 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 3,18,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि देश में अब तक 80 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।